गोपालगंज उत्पाद विभाग ने नए साल के आगमन को लेकर यूपी सीमा से सटे बलथरी चेक पोस्ट पर जहां सभी वाहनों का सघन तलाशी अभियान शुरू किया है, वहीं इस तलाशी अभियान में उत्पाद विभाग ने टैक्सी नंबर के कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं पुलिस ने तस्करी के आरोप में दो धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर आतिफ कमाल और राहुल मौर्य यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। ये कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर किया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शराब बरामदगी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर यूपी से आने वाली सभी वाहनों को जाँच किया जा रहा था। जाँच के दौरान टैक्सी नंबर की एक कार से एक ट्रॉली बैग और एयर बैग से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में दो शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। इस शराब की तस्करी लखनऊ से मुजफ्फरपुर के लिए किया जा रहा था। गिरफ्तार दोनों धंधेबाज को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जो है वो बलथरी चेक पोस्ट पर एक टैक्सी नंबर गाड़ी पकड़ी गई है जो लखनऊ से मुजफ्फरपुर जा रहा था, तो उसमें ट्रॉली बैग और एयर बैग में शराब लोग रख के ले जा रहा था, तो उसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग अधिकतर कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। करोगे तो कुछ लेके नहीं चले जाओगे? देखो जी सर, अब हमने कभी ऐसा काम ही नहीं हुआ। आज पागल तो यहाँ पे चेक हुआ था, हमने जाना ही नहीं है, हमने वहाँ पर सामान का लोड कर लिया था सर। करोगे तो कुछ लेके नहीं चले जाओगे? देखो जी सर, अब हमने कभी ऐसा काम ही नहीं हुआ। आज पागल तो यहाँ पे चेक हुआ था, हमने जाना ही नहीं है, हमने वहाँ पर सामान का लोड कर लिया था सर।